सब्र बड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, सब्र बड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, इतना तो भरोसा है खुद पर, इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार मैं बाजी ज़रूर मारूंगा, इस बार मैं बाजी ज़रूर मारूंगा। हाँ तो प्यारे साथियों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और इस चैप्टर से कम 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, यह हमने वरदान बैच मैट्रिक परीक्षा 2024 के नाम से शुरू किए हैं और यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो कि कोचिंग नहीं जा पाते हैं और वह घर बैठे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, इस अध्याय के सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्रों को देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए पहला सूत्र आता है, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहला सूत्र होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि से, या कलन विधि से इसमें पहला सूत्र होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोर शेषफल, ठीक है। यह पहला फार्मूला है। उसके बाद याद रखना दूसरा फार्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यही दो को सूत्र है। इस अध्याय में महत्वपूर्ण सूत्र कितने हैं? दो सूत्र है, इसको याद रखना है। देखिए, पहली संख्या को मान लेते हैं ए, कहें कहें ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम भी लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। यह भी फार्मूला याद रखना, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएफ, इसको भी याद रखना है, ठीक है। देखिए, इन्हीं दोनों सूत्रों पर आधारित हमने देखिए यहाँ पर दो सवाल लिए हैं, दो टाइप के, और जो है इसमें जो भी और क्वेश्चन है इस अध्याय के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। लेकिन जो बोर्ड पर यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखा हुआ है दो टाइप का, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, अभी तक शेयर नहीं किया है, ठीक है। अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए और उसको जो है अधिक से अधिक ज्ञान मिल सके, ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल है आपके सामने, आप लोग जो है यह फार्मूला क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। सवाल है, कलन विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात करें, जिसमें पहला सवाल है 135 एवं 225। देखिए, पहले भाग विधि से हम जो बचपन में बनाते थे भाग विधि से, उसी तरह बनाना है, ठीक है। देखिए, 135 भागा करेंगे 225, एक बार में खिलाइए, यहाँ 135 आएगा, 0 90, शेषफल 90 बचेगा, फिर 90 भागा करना 135, फिर एक बार में 90, शेषफल कितना बचेगा 45, फिर देखिए यहाँ 90 आएगा, दो बार में शेषफल कितना बचेगा 0, ठीक है। अंतिम भाजक कितना है, अंतिम बार में जो भाग दिए थे 45 से, यानी अंतिम भाजक कितना है 45, जो कि पूरी तरह ये 90 में भाग लग चुका है, ठीक है। शेषफल कितना बचा 0, शेषफल कितना बचा 0, इसी को हम लोग बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से लिखेंगे। किसका प्रयोग करके बोला है, कलन विधि या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक फार्मूला पढ़े, क्या पढ़े, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोर शेषफल, यही सूत्र पढ़े हैं। तो देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोर शेषफल, ये जो सूत्र है इसी सूत्र पर हम लोग ये जो भाग दिए हैं, इस प्रक्रिया जो यहाँ पर किए हैं, इसको रफ कॉपी में करना है आपको, ठीक है। इसी को हम लोग इस सूत्र में बैठाएंगे। देखिए, पहला चरण में क्या किए हैं, पहला चरण में क्या हुआ है, पहला चरण देखिए भाज्य कितना है, पहला चरण में 225 लिखेंगे,
भाजक कितना है? भाजक कितना है? 135। और भागफल कितना है? 1। शेषफल कितना है? 90। ठीक है, अब चरण टू में देखिए, चरण टू में इसमें भाज्य कितना है? 135। उसके बाद ये भाजक कितना है? 90। भागफल कितना है? भागफल आपका है 1। भागफल कितना है? 1। फिर शेषफल कितना है? 45। चरण टू में शेषफल कितना है? 45। ध्यान से देखिए, अब चरण तीन देखिए, जब कहाँ तीसरे चरण में जाके शेषफल जीरो बचा है, जब तक जीरो शेषफल नहीं बचेगा यह प्रक्रिया भाग विधि वाला करते रहना है। अगर आपको क्या पूछे हैं कलन विधि से एचसीएफ निकालने, तो चरण तीन देखिए, चरण तीन में कितना है भाज्य? 90 है। कितना है? 90। और आपका भाजक कितना है? 45। भागफल कितना है? 2। और शेषफल कितना है? 0। तो अंतिम भाजक कितना है? 45। यहाँ लिखना है आपको, चूँकि अंतिम भाजक 45 है, इसीलिए 135 एवं 225 का एचसीएफ 45 होगा। यह एचसीएफ बराबर लिख दीजिए 45। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आपने एक नंबर का जो क्वेश्चन था कलन विधि से एचसीएफ निकालने के लिए पूछा था, सीख चुके। आपको होमवर्क रहा एसडब्ल्यू, ये दोनों जो है सवाल 2 और 3, आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिए बनाने का। ठीक है, 3 नंबर में है 6 एवं 20। ठीक है, और 2 नंबर में है 16 एवं 24 का एचसीएफ निकालना है, वो भी किस विधि से? कलन विधि से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या है, एचसीएफ 96404 बराबर 4 है, तो एलसीएम 96404 का मान क्या होगा? यही पूछा है आपसे। इसमें यानी कि पहले संख्या दिया है 96 और दूसरी संख्या है 404। एचसीएफ जो दिया है 4 है। एचसीएफ कितना है? 4। तो निकालना है आपको एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम यहाँ लिखना है, दिया हुआ है पहली संख्या, यानी ए मान ले, पहली संख्या को ए मान लेते हैं। ए कितना है? 96। दूसरी संख्या कितना है? 404। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 4 है। एचसीएफ कितना है? 4। निकालना है आपको एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो आपने एक सूत्र पढ़ा, चूँकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यह सूत्र पड़ा है। देखिए पहले संख्या यानी ए का मान कितना है? 96। दूसरी संख्या कितना है? 404। एचसीएफ कितना है? 4। और निकालना है आपको किसका मान? एलसीएम का। किसका मान निकालना है? एलसीएम का। यहाँ देखिए 4 गुना कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? भाग 96 गुना 404 बटे 4, यही होगा बराबर एलसीएम, जो कि एलसीएम का ही मान निकालना है। यहाँ हम लोग देखिए यहाँ कटाएंगे, यह 101 बार में कट जाएगा। अब क्या बचा? 96 गुना 101, तो 96 गुना 101 कीजिए, कितना होगा? 96 गुना 101 कीजिए, यह आपका हो जाएगा कितना होगा? यह आपका हो जाएगा 96 96। क्या होगा? 96 96 96 96, यही आपका एलसीएम आया। ठीक है, पहली संख्या दिया था, दूसरी संख्या दिया था, एचसीएफ दिया था, आपको एलसीएम निकालने पूछा था, एलसीएम कितना आया? 96 96। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल हम यहाँ पर 2 गो लिख चुके हैं, जो कि अपने से आपको अभ्यास करना है। ठीक है, जैसे बताए आपको इसी तरह से बनाना है, इसी तरह से आपको बनाना है, बनाने का प्रोसेस यही होगा। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, यह जो 2 सवाल है आपके लिए है, अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इस अध्याय के जो भी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।